गुड मॉर्निंग गाइस, ये अब हम पहुंच चुके हैं यवतमाल में। पुलगांव से निकले थे, 8-9 बज चुके हैं, यवतमाल पहुंच चुके हैं। सुबह सुबह ही निकल गए थे हम लोग, और ये पूरा एरिया यहीं का है। मेन रोड पे हम लोग चल रहे हैं, आप लोगों को आसपास दिख रहा होगा अभी तक शॉप्स भी बंद हैं। पूरी चारों तरफ हुआ, ब्लू कलर की गाड़ी भी देखी हमने। ये फ्रूट शॉप्स, ये यहाँ का मार्केट है, बट बंद है। अभी सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है, हल्की हल्की। ये देखिए, ये रेड रेड से पिंक पिंक से फ्लावर्स दिख रहे हैं आपको साइड में। गाड़ी स्पीड में है बट प्रॉपरली नहीं दिख रही होंगी, लेकिन कलर थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है। ये चारों तरफ साइड में आपको पिंक कलर के फ्लावर्स दिख रहे हैं। ये मैंने यहाँ बहुत देखे और बहुत सुंदर लगते हैं। बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स हैं बट बंचेज में हैं और बहुत सुंदर दिखते हैं ये। यहाँ पूरे रोड के किनारे यही लगाए हुए हैं, और एक जगह तो पूरा ऐसा ही मैंने ऑरेंज कलर का भी देखा, पूरा छाया हुआ था, बहुत ही बड़ा। और ये गाइस, अब हम पहुँच चुके हैं यवतमाल से, काफ़ी आगे निकल चुके हैं। ये बीच का रास्ता है, यहाँ पे चारों तरफ खेत ही खेत हैं। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं, ये मेन हाईवे पे हम लोग आ गए हैं। गाड़ी और स्पीड में हो चुकी है, और यहाँ पे ज़्यादा खेती मुझे दिख रही है। भिंडी है, गन्ना है, देखिए लास्ट में आप देख सकते हैं, ये गन्ना दिख रहा है, ये मैंगोस के पेड़ हैं। सोयाबीन की भी खेती है यहाँ पर, कहीं कहीं हल्दी है। मेनली यही 4-5 चीज़ें स्पेशल यहाँ पर खेती में मुझे दिखाई थी चारों तरफ। ये देखिए, बारिश का सीज़न है, अभी हम बारिश के महीने में जा रहे हैं। बीच में थोड़ी घबराहट भी हो रही है, कहीं तेज़ बारिश ना हो, कहीं फंस ना जाएं। ये बोर्ड आपको दिखेगा, यहाँ से सारी दूरियाँ नज़र आएंगी। तुलजापुर भी दिख रहा है, हमको तुलजापुर के आसपास ही पहुंचना है, और उसमें हमको 2 दिन लग जाएंगे। अभी तो हमारा स्टार्टिंग का मोड है, चल रहे हैं हम धीरे धीरे। ये देखिए, सामने आपको हल्दी दिख रही है, हल्दी की खेती है। और ये मेरा बेटा है, ये साथ में हस्बैंड बैठे हुए हैं, ये इनकी गोदी में ही बैठा रहता है। ये देखिए, स्माइल दे रहे हैं। एक्चुअली मेरा ज़्यादा वीडियोज़ नहीं है, फर्स्ट में हम लोग अभी अभी बना रहे हैं। और गाइस, मैं गाड़ी भी चला लेता हूँ अपने से, पापा छोड़ देते हैं, फिर भी मैं अपने साइड निकल लेता हूँ। ये देखिए, अभी हम वहाँ से आ चुके हैं। बीच में मैंने वीडियो बंद कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा की आवाज़ आ रही थी। अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं, ये एक टीले पे लंच का टाइम हो गया है। चलते चलते वो नीचे हाईवे है, देखिए आपको दिख रहा है, एक टीले पे हम आए हैं। ये बीच में जो दिख रहा है, ये गड्ढा है, यहाँ पे शायद ओवर ब्रिज का काम चल रहा है, फ्लाईओवर का। तो वही है, उसी के ऊपर मेरे हस्बैंड ने गाड़ी को घुमा लिया है। जो इकट्ठा किया गया मटेरियल है, पत्थर ही पत्थर हैं, वहीं पर हम आकर बैठे। ये लंच हमारा, ये हैंड वॉश कर रहा है हमारा छुटकू। ये रास्ते के लिए बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं आता, क्योंकि फिर वॉमिट का प्रॉब्लम रहता है, इसलिए हमने बहुत ही, मेरे लिए तो मैंने 2 सूखी रोटी लाई है, मतलब बिना घी वाली सिंपल रोटी, और बाकियों के लिए पूरी लाई है। ये देखिए, हम इतनी ऊपर हैं कि ये हाईवे इतना नीचे दिख रहा है। ये अब डांस करने लग गए हमारे स्मॉल बेबी पंजाबी वाला, भंगड़े भंगड़े। और गाइस, मैं गिर रहा हूँ क्योंकि यहाँ इसका डांस हो चुका है। अभी आपको थोड़ा सा मेरे हस्बैंड अपनी गाड़ी का व्यू दिखा रहे हैं, उनको अपनी गाड़ी से बहुत प्यार है, इसकी साफ़ सफाई में बहुत समय व्यतीत करते हैं। और ये मस्ती करते हुए, अच्छा व्यू है यहाँ से। अगर कभी आप इस रूट से लातूर जाएं, ये हाईवे पर ही है इस समय, ये हाईवे का काम चल रहा है, हो सकता है जब तक आप लोग विज़िट करें तब तक ये काम ख़त्म हो चुका हो। अच्छी जगह है। अब ये आ गए हैं यहाँ पर, फ़ोटो लेने के लिए खड़े हो गए हैं, और इनको अच्छा सा पोज देने के लिए बार बार बोला जा रहा है, लेकिन ये ठीक से पोज नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि अब ये बोर हो चुके हैं, मूड नहीं है, अब कहते हैं कि अब हमको यहाँ से जाना है। तो देखिए वो ढीला ढाला पोज दे रहा है ये छोटा बेबी। ये अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से गोल टर्न है ये जी, ये जा रहे हैं अब हम लातूर की तरफ। ये 3 दिन के टूर, 4-5 दिन का टूर है हमारा, इसमें 2 दिन तो आने जाने में ही लगेंगे प्रॉपर, क्योंकि जहाँ से हम आए हैं पुलगांव से, वहाँ से यहाँ तक का पूरा 400-500 किलोमीटर का है रास्ता। और फिलहाल जिस रूट से हम जा रहे हैं, हमें किसी ने रूट बताया था, ये फ़िलहाल तो रोड ठीक है बट पीछे काफ़ी ख़राब था। हाँ, वहाँ पे गाड़ी स्लैश भी हो रही थी, टायर वगैरह, और अभी हम चढ़ने के पास आ गए हैं। तैयार नहीं है बिल्कुल भी, पर घर में गया तो सारी पैंट भीग गई थी, इसलिए चेंज करनी पड़ी। ये कूद कूद के, ये एक बार और आपको व्यू दिखा देती हूँ इसका, सुंदर था, छोटा सा ही था, बहुत सुंदर था। ये लाए हैं इसके छोटे छोटे पेड़, देखते हैं जाकर लगते हैं, यानी बहुत छोटा तो नहीं मिला, यही अगल बगल से डाली तोड़कर लाए हैं। ये देखिए सुंदर फ्लावर है, बहुत प्यारा है, ये गुलमोहर के फ्लावर जैसा ही है बट पत्ते अलग हैं इसके, और पौधा भी छोटा है, गुलमोहर का पेड़ बड़ा होता है। ये हमारा झरना, और ये हम निकल गए हैं रास्ते से, नदी आ गई, और ऐसा नदी है कि बारिश आए तो पूरी डूब ही जाए, रोड में पूरा पानी भर जाएगा। इसका पुल काफ़ी नीचे था, बहुत डाउन था, बरसात में मुझे हैवी बारिश होने पर उस पर पानी आ जाता होगा ऐसा ही फील हो रहा था, सिर्फ 2-3 मीटर ही नीचे था, 2-3 इंच। ये अब रास्ते में फिर एक और छोटा सा ब्रेक है चाय पानी के लिए, ये इसके और लिए मेरे हमने लिए स्ट्राइट ले लिया है। ये चाय बहुत छोटा सा कप है, आई थिंक इसमें 4-5 घूंटी आए होंगे, बहुत छोटा सा कप दिया था ये, और दिया था कोई 10 रुपए का शायद, तो और ये इसके लिए स्प्राइट ली हमने, बट इसको इस छोटी स्प्राइट का टेस्ट पसंद नहीं आ रहा, इसको ये वाली का टेस्ट अच्छा लगता है, ये बहुत छोटी हो जाती है, तो वो लोकल प्लेस भी था, हो सकता है इसमें कुछ मिलावट भी हो, डुप्लीकेट भी हो, क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल अलग था, जैसे नॉर्मली हम लोग स्प्राइट पीते हैं उससे अलग। तो वहाँ पर एरिया ही ऐसा था, बहुत छोटी सी जगह थी गाँव टाइप की, और छोटी सी ही दुकान थी जहाँ हमको चाय मिली, पूरे रास्ते में हम चाय ढूंढते रहे, हाईवे पे कोई भी शॉप नहीं मिली, तो इसलिए हो सकता है डुप्लीकेट भी हो। और अभी सनसेट हो गया हमारा, अब हम अपने रास्ते में निकल गए। ये अब हम जा रहे हैं, रात हो चुकी है, अभी तक हम लातूर पहुँचे नहीं हैं, और ये वाला रूट जो हमने लिया है ये गांवों के बीच में से था, और बहुत बेकार रूट था, बहुत ख़राब रूट था, टूटा फूटा रोड है, जगह जगह गड्ढे हैं, खूब ऊंचे ऊंचे स्पीड ब्रेकर है, इतने ऊंचे ऊंचे कि हमारी गाड़ी नीचे से बार बार उस पर लग जा रही है, और अंधेरा है, बिल्कुल भी लाइटिंग नहीं है इस रूट पर, ये देखिए गाड़ियों की लाइटें, और ऊपर से सामने से जो गाड़ियाँ आ रही हैं बहुत फोकस मार रही हैं मुँह पर, वो लोग अपना फोकस वाला लाइट ऑन कर रहे हैं। कभी भी आप लोग नाइट में सफ़र करते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसा जो आप लोग ये फॉग लाइट जो होता है उसको यूज़ कर
करें, जो वो बड़ी लाइटें हैं उनको यूज़ करने से, देखिए ऐसी ड्राइवर की आंखों के सामने लाइट ही आ जाती है पूरी, उसको आगे रोड देखने में प्रॉब्लम होती है, इस वजह से कई एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। एक तो रोड ख़राब, ऊपर से बीच बीच में पानी भरा हुआ है, बारिश हो रही है, ऊपर से इस तरह से आंखों में लाइट मारने से सामने का जो मिरर है वो और ज़्यादा चमकता है, और इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं ना कि पूरा टायर ही घुस जा रहा है और ऊपर से कीचड़, गाड़ी बार बार नीचे से रगड़ रही है। और हम अपने होटल में पहुंच चुके हैं अब रेस्ट करने के लिए। फाइनली हम पहुंच गए और बहुत थक चुके हैं। हमने तो डिनर कर लिया बट मेरे हस्बैंड ने नहीं किया, वो बहुत थक गए हैं और जो फोकस लाइट थी उनकी वजह से इनका हेडेक भी हो गया, और हेडेक होने की वजह से ये बिल्कुल भी खाने का इनका मूड नहीं था। दो कप चाय मंगाई थी इन्होंने और होटल में आकर ये आके, लेकिन उसको भी पीकर इन्होंने वॉमिट कर दिया क्योंकि बहुत ही तबीयत इनकी ख़राब हो गई, हेडेक बहुत ज़्यादा हो गया। अभी वो आराम कर रहे हैं, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनको आराम करने देते हैं। और हमने डिनर विनर सब कर लिया है, अब सुबह मैं आपको ये होटल का रूम का भी एक व्यू दे दूँगी और इसके बारे में, यहाँ से निकल के यहाँ के बारे में भी बता दूँगी कि ये कैसा है क्या है। बहुत प्रॉब्लम इनको हो गई थी बहुत ज़्यादा, जो फोकस लाइटें थी उनकी वजह से बहुत ज़्यादा उनको हेडेक हो गया था। तो अब हम भी चलते हैं आराम करने के लिए और आप लोग भी आराम कीजिए। सो गाइस, मैं कमेंट्री बाद में कर रही हूँ क्योंकि क्या हो रहा है ना, मैं अभी नए हैं हम लोग इस पे यूट्यूब पे, और मैंने दूसरी ऐप में ये बनाया तो उसमें साउंड ही पूरा पैक हो गया, तो साउंड ही बंद हो गया, इसलिए मुझे